नमस्कार किसान भाइयों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए जमाने के ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आप ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं और आपको कुछ ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो नए तकनीकों से लैस हो, और आज के अगर आप जब इसको इस्तेमाल करें तो आपको लगे कि हाँ, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये कुछ वैसे ही ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर है यनमार कंपनी के साथ कोलैबोरेशन, यानी यनमार एक जापानीज कंपनी है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके सोलिस ट्रैक्टर, और इसका मॉडल जो है वो 4215। तो इस ट्रैक्टर के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये एक जापान के तकनीकों के साथ लैस ट्रैक्टर है, तो जापानी जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें ये इसमें इस्तेमाल की गई है, तो एक तरह से हम जापानी भरोसा इसके साथ मान सकते हैं। तो आइए इस ट्रैक्टर के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। तो इस ट्रैक्टर को अगर आप खरीदते हैं तो इस ट्रैक्टर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये ट्रैक्टर में क्या क्या फीचर्स हैं, इंजन कैसा है, और इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलती है, हर चीज़ के बारे में हम शुरुआत से अंत तक बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा यनमार ट्रैक्टर, इसका आपको डिज़ाइन दिखाते हैं। तो अगर इसका आगे के डिज़ाइन को भी देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। आगे में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगाया गया है, जो कि सुपर बाइक्स में लगा करती हैं, वो भी इसमें एक होती है, लेकिन इसमें आपको चार चार प्रोजेक्टर लैंप आपको जो है हेडलैम्प यहाँ लगाए गए हैं। साथ ही क्रोम से जो है यहाँ पर फिनिशिंग भी कर दी गई है, तो देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सोलिस का ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा। तो साइड से भी आप इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है। अब इसके हम फ्रंट बॉडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप एक हैवी बम्पर देख सकते हैं कि लगाया गया है। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब दिया भी गया है कि अगर कुछ आपको होल्ड भी करना है, या फिर यहाँ पे एक और भी एक छेद भी दिया गया है कि आपको और कुछ लगाना भी है तो आप आराम से यहाँ पे उसको अटैच कर सकते हैं। अब इस बम्पर को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है कि आप इसको इस बटन को ऐसे क्लिक करके आप बटन को यहाँ से इस तरह से बोनट को खोल सकते हैं। बोनट में दो हाइड्रोलिक्स लगाए गए हैं आपके बोनट को उठाने के लिए। बहुत जगह एक रहता है तो कहीं ना कहीं बोनट जो है डाउन होने का खतरा होता है, लेकिन यहाँ दो हाइड्रोलिक्स लगाए गए हैं तो आपका बोनट आसानी से ऊपर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एयर फिल्टर भी आप देख रहे हैं, तो ये ड्राई एयर फिल्टर है, सूखा हुआ एयर फिल्टर है, तो आप इसको समय समय पर दो एयर फिल्टर इसके अंदर हैं, तो दोनों एयर फिल्टर को आप लगातार जब भी आपकी जो इसमें सर्विस मेंटेनेंस का पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ के साफ कर सकते हैं। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे एयर फिल्टर और ये डिज़ाइन आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा। इसका जो रेडिएटर आप देख रहे हैं, रेडिएटर में जो सबसे खास चीज़, जैसे कि बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिसको हम चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल बनता है, तो एक रेडिएटर के पहले एक जाली दिया गया है कि धूल पहले इस पर जमेगा, अगर इससे छनता है तो जाली पर जाएगा। अगर इसको अगर आप साफ़ कर देते हैं तो आपका रेडिएटर जल्दी गंदा नहीं होगा, तो ये मुझे लगा कि एक तरह से बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और आगे का वेट और अच्छा रखने के लिए बैटरी का भी प्लेसमेंट जो है वो आगे में ही किया गया है, तो बैटरी यहाँ लगी हुई है। इससे क्या होता है कि आगे जितना ज़्यादा वजन रहेगा आपका आगे का ट्रैक्टर, आगे का भाग, जब भी आप ज़्यादा इसको लोड दीजिएगा तो वो उठेगी नहीं। तो आप बड़ी बड़ी अगर ट्रॉली चलाते हैं तो उस समय आपको बैटरी या फिर ये पूरा आगे का जितना भारी भरकम दिया गया, आप इस बेस को भी देखते हैं, भारी वेट यहाँ पे लगाया गया है, तो जब भी आप कुछ भी भारी चीज़ चलाते हैं तो ये वेट को बैलेंस करेगा। आगे छोटा बम्पर भी लगाया गया है कि कुछ और भी आप लोड कर सकते हैं, अगर आपने पीछे भारी लोड लगा रखा है तो आप इस पर और लोड इस पर डाल सकते हैं। अगर इंजन की बात करें तो सोलिस और यनमार जो कि जापान की टेक्नोलॉजी है, दोनों के साथ मिलके ये इंजन आपको मिलता है। इंजन में बोस का यहाँ पे आपको फ्यूल पंप देखने को मिलेगा, और इस तरह के कुछ डिज़ाइन यहाँ पे दी गई है जो पूरे फ्यूल पंप का डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ वाटर सेपरेटर भी मिलता है, यहाँ पे आप जो है बाकी यहाँ पे फिल्टर भी देख सकते हैं, डीजल फिल्टर, और यहाँ पे कुछ जो एक स्विच भी दिया गया है जिससे आप इसके जो तेल को बंद करें तो बंद भी कर सकते हैं, अगर आप कुछ काम करें तो डीजल को बंद भी कर सकते हैं। ऐसे डीजल को बंद कभी नहीं करना चाहिए वरना गाड़ी एयर ले सकती है। जो फैन की पंखियाँ हैं वो भी ज़्यादा रखी गई हैं, तो जब भी इसको आप ठंडा करिएगा, ट्रैक्टर जब ठंडा हो रही होगी तो काफ़ी अच्छा ठंडा हो रही होगी, जैसे कार को कूलिंग के लिए अच्छा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह यहाँ पे रेडिएटर आपको मिलता है देखने को, जिससे ये ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएँ। सोलिस का ये 4215 जो इंजन है ये 2891 सीसी का आता है, और 43 HP का जो है इसका पावर आपको मिलेगा, और जिसका हाई टॉर्क है वो 1800 RPM पे 196 Nm का टॉर्क बना देता है, जिसे आप कहीं भी इसको ले जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो इसका मैक्सिमम टॉर्क जो है 1800 RPM पे ही आपको 196 Nm का टॉर्क मिल जाता है, जिसे कोई भी काम करने में आपको आसानी होगी।
तीन सिलेंडर का ये इंजन है, तीन सिलेंडर 2891 सीसी का ये इंजन आपको मिल जाता है। अगर ट्रैक्टर के चलाने की बात करें तो इस पर ऊपर चढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है, तो आप यहाँ पे पैर रख के काफ़ी आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्पेसियस है कि जो भी किसान भाई इसको चलाएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस ट्रैक्टर को चलाने में। और सीट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, जैसे हमारे कार में सीट दिया जाता है। इवन आप सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप आगे करना चाहें तो आगे कर सकते हैं, पीछे करना चाहें तो पीछे कर सकते हैं। जैसी आपकी हाइट हो, आपका जितना आपका कद हो, लंबाई हो, उसके अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 10+5 जो है गियर ट्रांसमिशन दिए गए हैं, उसको हम आपको दिखाते हैं। जिसको हम यहाँ पे दिखाते हैं तो इसमें 10 फॉरवर्ड और 5 रिवर्स दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरफ आपको सिर्फ 5 गियर मिलते हैं और प्लस न्यूट्रल यहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरफ हम दें तो हाई और लो दोनों दिया रहेगा, और रिवर्स इधर करने के बाद आप 5 गियर इधर मतलब राइट साइड जो है 5 गियर इधर जो है रिवर्स में भी चला सकते हैं, और इधर रिवर्स करने के बाद और लो हाई भी यहीं से आप कर सकते हैं, और इसको न्यूट्रल पे भी डाल सकते हैं। और क्लच का असेंबली भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो कि डुअल क्लच में यहाँ पे आपको मिलता है, तो आप काफ़ी आसानी से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसका पंजा काफ़ी चौड़ा दिया गया है, तो आप जब भी इस्तेमाल करिएगा। प्लस इसके ग्रिप्स भी बनाए गए हैं, खोहे बनाए गए हैं, ताकि आप जब इस पर पैर रखें तो आपका पैर कभी फिसले ना, क्योंकि किसान भाई जो है मिट्टियों पर चलते हैं तो मिट्टी से पैर फिसलने का खतरा होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं उसका बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। और जब आप रोटावेटर चलाते हैं तो पीटीओ का जो है यहीं पे दिया गया है, तो ये भी आपके हाथ के पहुंच में काफ़ी आसानी से आ जाते हैं। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप काफ़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके दाएं हाथ में ADDC ड्राफ्ट कंट्रोल हाइड्रोलिक लीवर आपको मिल जाएगा, हाई और लो और प्रेशर ट्रॉली चलाने के लिए DC और ऑब्जर्व वाल्व यहाँ पे दिया गया है, इसे आप चला सकते हैं। तो काफ़ी आसानी से आपके हाथ के पहुँच में है ये, तो जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। और इसी साइड आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग लॉक भी मिल जाएगा, और जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपको मिल जाएगा। अगर आप ब्रेक दबा के यहाँ पे हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी आसान यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद एक्सेलेटर के लिए ऐसे नॉर्मली यहाँ पे नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा दिया गया है। जब भी आप RPM बढ़ाते हैं अपना तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और दूसरा RPM बढ़ाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप जब भी RPM बढ़ा के यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पे कर दीजिएगा तो लो हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा तो हाई हो जाएगा। उस तरीके से आप RPM बढ़ा सकते हैं, यानी 1800 RPM पे इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर इसका स्टीयरिंग की बात करें तो इसमें आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग होता है, तो किसान भाइयों को मोड़ने में बड़ी तकलीफ होती थी कि भारी होता था, तो वहाँ पर ये भारी नहीं। अभी हम आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे कि कितनी आसानी से खड़ी ट्रैक्टर आपको मुड़ जाएगी। यहाँ पर हम देखें तो डिजिटल आपको हावर मीटर मिल जाता है, कितने घंटा चली, इसमें आपको समय भी यहाँ पे दिखाते रहेगा, आपको तेल कितना है गाड़ी में वो दिखाता रहेगा, बैटरी आपकी कैसी है वो दिखाता रहेगा, तेल इंजन ऑयल कैसा है वो दिखाता रहेगा, न्यूट्रल अगर हो जाएगा तो वो आपका यहाँ दिखाएगा। और यहाँ पे ये RPM मीटर दिया गया है, अभी हम सब चालू करके भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे तेल का गेज दिया गया है कि आपके गाड़ी में कितना तेल है वो दिया गया है। और थोड़ा सा इधर हम देखते हैं तो ये हैजर्ड का स्विच दिया गया है, तो आपका सारा इंडिकेटर जो है वो ऑन हो जाएगा। चलिए अब इसको स्टार्ट करके हम आपको दिखाते हैं कि RPM पे इसका आवाज़ कैसा बनता है। अगर इंजन साउंड की बात हम करें तो इंजन आप देख रहे होंगे कि गाड़ी अभी लगभग 750 RPM पे है। 750 RPM पे कैसा आपको इंजन का आवाज़ मिलता है, इसको हम बढ़ाते हैं। पहले इसको हम बंद कर लेते हैं। तो आपने इंजन का आवाज़ सुन लिया, अब आप आगे जाइए और हम लाइट यहाँ पे ऑन करते हैं। यहाँ पे सारे स्विच दिए गए हैं, एक और स्विच हम दिखा देते हैं पहले, और हॉर्न भी दिखा देते हैं। तो ये आपका हॉर्न हो गया, उसके बाद लाइट का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। तो अब आप आगे जाइए और लाइट देख लीजिए कि लाइट इसमें कैसा दिया गया है। हाई बीम और लो बीम दोनों ही दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि कैसा आपको रोशनी मिल जाएगी। तो आप जब भी काम कीजिएगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, और कहीं भी जाइएगा तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। और जब आप कहीं लंबे रास्ते पे जा रहे हों तो इसमें फॉरवर्ड का 5 गियर मिल जाता है, तो आपका स्पीड भी अच्छा होगा।
कि आप अच्छे स्पीड में कहीं भी जा सकते हैं। तो अब हम टायर की बात करते हैं और पीछे की ओर चलेंगे उसके बाद। तो टायर यहाँ पे आपको 616 का मिल जाता है। टायर की आप देख रहे होंगे कितना मजबूत आपका अच्छा टायर मिल जाता है। यहाँ पे पेंट भी काफ़ी अच्छा किया गया है आपके रिम पे, और यहाँ पे सारी चीज़ों के लिए भी अच्छा खासा आपको पेंट और डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा। आपको एक मजबूत आगे का ये मिलता है, तो आपको कहीं से दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। आपका गियर बॉक्स का जो सॉलिडनेस है वो भी देख सकते हैं। एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है कि आप छोटा मोटा कुछ टूल रख सकते हैं। उसके और पीछे आते हैं तो यहाँ का आप टायर देख सकते हैं। ये टायर आपको मिलता है 13.6/28 का। तो ये भी टायर काफ़ी मजबूत, काफ़ी बड़ा टायर दिया गया है और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी की गई है। और कभी भी अगर ज़रूरत पड़े इसको टायर को निकालने के लिए, तो आपको उसके लिए काफ़ी आसान तरीके से खुलने वाला जो है ये चक्का दिया गया है। तो आप आसानी से इसको, अगर इसमें कुछ काम भी हो तो कर सकते हैं। इसके पीछे की बॉडी की भी बात करें तो बिल्कुल सॉलिड बॉडी दी गई है, ताकि इस पर अगर कोई बैठता है तो कितना भी वजन हो कोई तकलीफ ना हो। पकड़ने के लिए अच्छा खासा ये बेस बनाया गया है और रबर का कोटिंग भी किया गया है, तो लोहे से ही अच्छा खासा मजबूत बनाया गया है, ताकि इस पर कोई भी बैठे तो कोई भी ससरने वाली बात ना हो। आप अगर चाहें तो इसमें सीट भी लगवा सकते हैं, तत्काल अभी सीट इसमें नहीं आता है। अब पीछे की ओर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें नज़र आता है जो निकला हुआ रहेगा आपका हाइड्रोलिक उठाने के लिए। तो 2000 किलो का क्षमता है इसका, तो 2000 किलो आप इससे उठा सकते हैं जब, और नीचे ऊपर कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। अगर हाइड्रोलिक को आपको किसी एक दिशा में लेके जाना हो तो यहाँ पे इसके लिए 5 पॉइंट का लॉक भी दिया गया है। तो आप इसको इस तरह निकाल के, और अभी ये बांधा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप इसको निकाल के अगर दायां या बायां किसी भी एक साइड, थोड़ा दूर से हम दिखाते हैं, तो दायां साइड इधर करके आप काम कर सकते हैं या बायां साइड, या फिर आप इसको बीच में रख सकते हैं। तो कोई सिक्कर नहीं है कि इधर उधर भागेगा या फिर टायर में कभी सट जाता था, तो वो समस्या यहाँ पे आपको नहीं आएगी। यहाँ पे ट्रॉली खींचने के लिए ये आपका सेक्शन बनाया गया है, दिया गया है व्यवस्था, और इसको एडजस्ट करने के लिए आपको हिच पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जैसी आपकी ज़रूरत हो उसके अनुसार आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल नहीं बनाया गया है, आसान तरीके का बनाया गया है। उसके थोड़ा सा और ऊपर आते हैं और यहाँ पे जब हम देखेंगे तो एक हाइड्रोलिक लिंकेज आपका बनाया गया है। इसमें 3 चीज़ें दी गई है। इसमें अगर आप इसको लगा के काम करते हैं ये लो में रहेगा, अगर आपको मध्यम काम करना है तो यहाँ पे रहेगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा भारी काम करना है तो यहाँ पर रहेगा। तो लो, मीडियम, हाई, ऊपर से आपको तीनों चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डीसी वाल्व मिल जाता है जो कि कंपनी ही लगा के देती है। दूसरे ट्रैक्टर में क्या होता है कि कंपनी से आपको नहीं मिलता है, बाहर से लगवाते हैं, तो क्या पता अच्छा काम करे ना करे। ये कंपनी का इंजीनियर, पूरी इंजीनियरिंग के साथ आपको इसमें लगाया गया है, तो इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। जब भी आप प्रेशर ट्रॉली चलाइएगा तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपको यहाँ से ऑपरेट करने के लिए भी काफ़ी आसानी से दिया गया है। तो अगर कोई चीज़ कंपनी फिटेड आपको मिलती है तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, जब आपको ये यहीं पे कंपनी फिटेड मिल जाता है। और अगर नए ज़माने के हिसाब से देखें तो जो आपको यहाँ पे पार्किंग या टेल लाइट मिल जाता है, वो सेम चीज़ अगर ये बढ़ रहा है, ट्रैक्टर में कुछ नहीं लगा हुआ है तो पीछे से दिखाई देगा, लेकिन अगर आपको ट्रॉली में या फिर अपने कुछ भी सामान जो पीछे आप लगा रखा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ स्विचेस मिल जाते हैं। तो इसमें आप अगर प्लग लगा देंगे तो आप पीछे कोई भी अगर लाइट वाइट बांटना चाहते हैं तो आप आराम से बांट सकते हैं। जब कोई काम चल रहा होता है तो आप आराम से बांट सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको और कुछ लाइट चाहिए जो कि पीछे अगर नहीं लगाना है, तो यहाँ पर भी आपको लाइट मिल जाती है। तो जब आप इसको इस तरह खींचेगा तो एक हाइलोजन में आपको बल्ब मिल जाता है जो कि जिसको आप रात में बांट सकते हैं। साथ ही इसका एडजस्टमेंट दिया गया, तो ऊपर नीचे या फिर हल्का सा इधर दाएं बाएं, ये भी आप कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जो नंबर प्लेट है उस पर भी एक छोटा लाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनाया गया है, तो आप जब घर लेके जाइएगा तो कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ ये कुछ नए ज़माने का, कुछ आधुनिक और नए टेक्नोलॉजी के साथ ये ट्रैक्टर आपको मिल रही है, क्योंकि जापान के साथ इसका कोलैबोरेशन ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो एक आपकी सुरक्षा के लिए तो ये पीछे चमकता रहेगा। यहाँ अगर आप पानी वानी पीते हैं तो एक बड़ा बोतल रख सकते हैं पानी के लिए। उसके साथ ही यहाँ पे एक लिंकेज रड लगाया गया है, तो जो दोनों यहाँ पे आपको बम्पर दिख रहा है, इन दोनों बम्पर को बांध के रखे, कभी हिले ना। अगर कोई दोनों तरफ बंदा बैठ जाता है, कोई बैठ जाता है, तो हिले ना, मजबूती के लिए ये बना के रखा गया है। साथ ही यहाँ पे भी देखें तो इसको भी आप हल्का सा एडजस्ट जो है कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। अगर आपको उससे इच्छा ना हो रहा हो
तो इसको भी निकाल के थोड़ा सा यहाँ लगा दीजिएगा तो आप रूपी और ऊपर आ जाएगा। आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ आपके सुविधा के लिए जो भी यहाँ पे किया जा सकता था वो यहाँ पे किया गया। अब इसके हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, मतलब ज़मीन से कितनी ऊंची है ट्रैक्टर, तो लगभग 2 फीट के आसपास आपको नीचे से ऊंची है ट्रैक्टर। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं टकराने वाली या फिर समस्या पैदा करने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि बड़े चक्के वाली ये ट्रैक्टर आपको मिल जाती है। तो 2 फीट आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इसमें आपको जो तेल का टंकी मिलता है वो 55 लीटर का मिलता है, तो आप 55 लीटर डीजल इसमें डाल सकते हैं एक बार में, तो आप एक लंबे समय के लिए निश्चिंत भी हो सकते हैं। इसके पूरे वजन की हम बात करें तो 2070 किलो का ये ट्रैक्टर है और लगभग 3650 mm का इसका पूरा लंबाई है। तो 2070 kg यानी अपने आप में एक काफ़ी वजन का ट्रैक्टर है। तो आप आराम से इस ट्रैक्टर से कहीं भी काम कर सकते हैं। ट्रैक्टर ना आगे से उठेगी ना ही आपको पावर कम महसूस कराएगी, क्योंकि ये ट्रैक्टर सिर्फ 1800 rpm पे 196 न्यूटन मीटर का टॉर्क बना देती है। तो इस तरह के ये ट्रैक्टर एक नए ज़माने के साथ आती है। और इस ट्रैक्टर के साथ अगर आप पूरी की बात करें तो आपको 5 साल की इसमें वारंटी मिल जाती है, जो कि कंपनी यहाँ पर लिख के भी आपको देती है। तो आपको कोई भी समस्या आती है तो कम से कम आप नई ट्रैक्टर के साथ एक लंबे समय तक निश्चिंत जरूर रहिएगा इस ट्रैक्टर के साथ। तो पूरी एक एक जानकारी मैंने आपको दी, बहुत सारा ग्रीसिंग पॉइंट सब कुछ बनाया गया है। तो आप अगर ट्रैक्टर लेने जा रहे हैं तो नए ज़माने में बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो आती है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं जापान और सोलिस जो है चाहता है कि किसान भाइयों को मिले, और वो भी आराम से ट्रैक्टर को अत्याधुनिक तरीके से, मतलब नई नई तकनीकों के साथ जो ट्रैक्टर आती है उसके साथ उसको चलाएं। तो इस ट्रैक्टर के बारे में अगर अपने नज़दीकी शोरूम में देखना चाहते हैं या फिर कैसी चलती है इसको चलाकर देखना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे भी नंबर दे दे रहा हूँ। इस नंबर पे आप कॉल करिएगा तो आपको बता दी जाएगी कि आपके लोकेशन में, आपके एरिया में कहाँ पर सोलिस ट्रैक्टर का शोरूम है, वहाँ पर आप जाके ट्रैक्टर देख सकते हैं। उन नंबर से आप बात कर सकते हैं और सारी ट्रैक्टर्स की प्राइसिंग आप ले सकते हैं। ये डुअल क्लच में आती है और सिंगल क्लच में भी आती है, तो दोनों का दाम थोड़ा अंतर है और दोनों का इसका मतलब दो वेरिएंट आता है, दो इसका मॉडल आता है, तो दोनों मॉडल में से आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं। उसकी जानकारी भी सारी आपको वहाँ पे दे दी जाएगी। तो यही था मेरा सोलिस यनमार जापान की टेक्नोलॉजी के साथ इस ट्रैक्टर का पूरा एक एक पॉइंट के साथ रिव्यू। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।